तो चलिए फिर से एक स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर MI A3 Android 12 के साथ, Redmi Note 10 Android 11 के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर जो Android 12 बेटा रोम मैंने फ्लैश किया हूँ MI A3 के अंदर, और सेम टू सेम Redmi Note 10 के अंदर एक अपडेट भी आ चुका है, और 12.0.4.0। तो चलिए देखते हैं दोनों डिवाइस के अंदर हमें स्पीड टेस्ट में क्या फर्क मिलता है, यानी कि एंड्रॉइड 12 या एंड्रॉइड 11 पास करता है। MI A3 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलता है, और Redmi Note 10 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो दोनों का वेरियंट जो है 4GB 64GB, ये भी 4GB 64GB। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन यानी कि रिसेंट मेनू के अंदर देखेंगे, दोनों के अंदर क्लीन है, यहाँ पर रिसेंट मेनू में कुछ नहीं है, खत्म है। तो यहाँ पर सबसे पहले वॉलेक्स 1, 2, 3 यहां पर एमएक्स प्लेयर, बराबर मुझे कमेंट आप जरूर करना, हॉटस्टार, ठीक है, प्ले स्टोर, ओके धनाधन, मतलब प्ले स्टोर में काफी बढ़िया से, क्रोम, ओके, DRM info। दोस्तों यहां पर MI A3 के अंदर वाइडविन जो कि L1 सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है, जो कि आपका HD कंटेंट आपको ऑनलाइन में देख सकते हो। यहां पर Redmi Note 10 के अंदर हमें वाइडविन L1 देखने को मिलता है, टेलीग्राम, ट्विटर, वाह भाई क्या बात, चंदन पंडित, फाइल मैनेजर, फाइल जो गूगल की तरफ से आता है वो काफी क्लीन एंड नीट, बहुत फास्ट चलता है, और यहां पर MIUI का फाइल मैनेजर थोड़ा सा डिले हो गया। खैर गूगल एप्लीकेशन बहुत फास्ट चल रहा है, गूगल एप्लीकेशन, शेयर मी, नॉट बैड, दोनों में कॉम्पिटेटिव बढ़िया है। सेटिंग्स मेनू सबसे पहले ये आया मेरे ख्याल से, टेम्पल रन, यूट्यूब, क्या बात है, मेरे दोनों डिवाइस के अंदर मेरा ही वीडियो जो एंड्रॉइड 12 के ऊपर, ये दोनों ही शो कर गए, बहुत बढ़िया। अब लास्ट में एक स्पीड टेस्ट ले लेते हैं इंटरनेट का, देख लेते हैं वाईफाई जो रात के टाइम क्या पकड़ता है और किसका स्पीड क्या लेके आता है, ठीक है, एंड्रॉइड 12 एंड्रॉइड 11। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना, मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का वीडियो लाता रहता हूं। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं रात के टाइम में मेरा जो वाईफाई कनेक्टेड हुआ है, और हां जी यहां पर एंड्रॉइड 12 है जो कि डाउनलोड MBPS है 28 और अपलोड 42.2 है, और यहां पर एंड्रॉइड 11 में डाउनलोड MBPS 14.5 और यहां पर 29.4, भाई कतई जहर है MI A3। तो चलिए आप देखते हैं सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, एक बार स्टॉप और स्टार्ट करते हैं और देख ही लेते हैं। सबसे पहले यहां पर स्टार्ट कर देते हैं Redmi Note 10 को, ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, ओके टाइम लग गया, MX Player टाइम लग गया ओपन होने में, ओके हॉटस्टार टाइम लग गया, प्ले स्टोर भी, रैम मैनेजमेंट बहुत खराब हो रहा है Redmi Note 10 में, पता नहीं टाइम बहुत लग रहा है। खैर चलिए, जो जो एप्लीकेशन जहां पर छोड़ के गया था उसी पेज पे होना चाहिए,
क्योंकि अगर कहीं से मिसप्लेस होता तो हमें पता चलता है कि रैम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं इशू है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेयर मी, ओके, सेटिंग्स, टेम्पल रन, ये भी फिर स्टार्ट हो गया शुरू से। उसी पेज पे रहना चाहिए ना जो स्टार्टिंग में था, वहां तक तो जाना चाहिए। देखते हैं, यानी कि ये रैम मैनेजमेंट बैकग्राउंड में खत्म कर देता है क्या? चलो ओके। यूट्यूब, ओहो यूट्यूब पर स्पीड टेस्ट वाला एप्लीकेशन कहां पर था उस बीच? ओ स्टार्टिंग में आ गया, कोई बात नहीं। अब यहां पे देख लेते हैं, लॉक कर देते हैं। 1 मिनट 25 सेकंड के अंदर हमें यहाँ पे टाइम कवर किए, सेम टू सेम हमें MIA3 के अंदर देखना पड़ेगा। यहां पर स्टार्ट वालेक्स, वाह क्या बात है। 112 के अंदर देखिए आप रैम मैनेजमेंट कितना जबरदस्त है। जिस पेज पे मैंने छोड़ा था उसी पेज पे, एक बार भी दोबारा रिफ्रेश नहीं हुआ है। जिस पेज में हमने इसको स्टे किया था उसी पेज पे ही रहा। दोस्तों आप लोगों के लिए काफी टाइम देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तरह तरह का सेटअप बनाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों की सख्त जरूरत है। देखिए यहाँ पर टेम्पल रन भी सेम टू सेम उसी पेज पे है। आप लोगों की सख्त हेल्प की जरूरत है, आप प्लीज हेल्प करिए और जल्दी से 50K तक पहुंचाइए, यानी कि 50K तक। तो देखो यहाँ पर विनर तो मैं मानूंगा MIA3 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के अंदर यहाँ पर जाके स्टॉप मारता हूँ। देखो यहाँ पर 47 और यहाँ पे समझ रहे हो ना, 47 सेकंड के अंदर हमें देखने को मिल जाता है टोटल, और यहाँ पे 1.25 मिनट, यानी कि 1 मिनट 25 सेकंड के अंदर ये पूरा करता है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए।